हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, तिरंगा बर्फ़ी। तिरंगा बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तिरंगा बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम एक कप दूध लेंगे। आप कोई भी एक कप सेट कीजिए और सारी चीज़ें हमें उसी कप से लेनी हैं। तो यहाँ मैंने एक कप दूध लिया है और 1.5 कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा आपको बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो आप सूखे वाला जो नारियल होता है वो लीजिए और उसका ऊपर का छिलका उतार कर आप ग्राइंडर जार में उसको ग्राइंड कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने 1.5 कप नारियल का बुरादा लिया है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमें लगातार लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाना है। इसको हमें जब तक चलाना है जब तक कि नारियल का बुरादा दूध को अच्छे से सोख ना ले। तो इसको 2-3 मिनट मैंने चला लिया है अच्छे से। अब हम यहाँ 2 बड़े चम्मच देसी घी के लेंगे। देसी घी से हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नारियल का बुरादा अच्छे से इसमें पक जाएगा। तो चलिए, घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लिया है। नारियल के बुरादे ने दूध को अच्छे से सोख लिया है। देखिए, ये पहले से बहुत गाढ़ा और सूखा सूखा हो गया है। अब हम यहाँ 1 कप चीनी डालेंगे और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए, चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार 2 से 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको पका लेना है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी हमारा मिक्सर पहले से बहुत पतला हो जाएगा। देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और मिक्सर हमारा पहले से पतला हो गया है। इसको हमें 1 से 2 मिनट और अच्छे से चला लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब हम यहाँ 1 कप कोकोनट मिल्क पाउडर लेंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर अगर आपके पास नहीं है या आपको ना मिले तो आप नॉर्मल मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर लेंगे, जो नॉर्मल मिल्क पाउडर मिलता है वो ही। अगर आपको दोनों ना मिले तो आप डेसिकेटेड कोकोनट से ही बर्फ़ी बना सकते हैं, तब भी हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। मैंने यहाँ मिल्क पाउडर इसलिए लिया है क्योंकि इससे हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल जैसे खोए का टेस्ट होता है बिल्कुल ऐसा टेस्ट इसमें आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है। इसको अच्छे से चला लेंगे, इसमें कोई भी गुठली न हो। अच्छे से पका लेंगे। इसको हमने कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो चलिए, इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा ये अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा और पहले से बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, इसको अच्छे से चला लेते हैं। पहले से गाढ़ा हो गया है ये और अब गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसको अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ मिक्सर को मैंने अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लिया है। अब हमें तिरंगा बर्फ़ी बनानी है तो इसके हम 3 भाग करेंगे, या तो जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे कर सकते हैं या आप अंदाजे से इसके 3 भाग कर कर इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे 3 भाग कर लिए हैं इसके। अब मैं कोई अलग बर्तन लूँगी और सारे भाग मैं उसमें अलग अलग करके निकाल लूँगी।
तो चलिए यहाँ हम प्लेट ले लेते हैं और एक एक भाग हम इसमें निकाल लेते हैं ऐसे। यहाँ मैंने तीनों भाग निकाल लिए हैं। अब एक भाग में मैं ग्रीन कलर मिलाऊंगी। दो से तीन चुटकी ही हमें ग्रीन कलर मिक्स करना है और दो से तीन चुटकी हमें ऑरेंज कलर मिक्स करना है। तो चलिए यहाँ कलर हम अच्छे से डाल लेते हैं। दो से तीन चुटकी ही डालना है, इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल कलर नहीं लेना है। और ये मैंने वाइट ही छोड़ दिया है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। यहाँ मैंने तीनों कलर मिक्स कर लिए हैं, ये ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर, और ये मैंने वाइट कलर छोड़ दिया है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि जब हम बर्फ़ी इस पर सेट करें तो आसानी से निकल जाए। अब सबसे पहले हम यहाँ ग्रीन वाला मिक्सर लेंगे क्योंकि तिरंगा बर्फी में सबसे पहले ग्रीन कलर का मिक्सर आएगा, तो उसको अच्छे से हम फैला लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से फैल जाएगा ऐसे बिल्कुल। तो चलिए इसको अच्छे से फैला लेते हैं। इसके बाद हम वाइट कलर वाला मिक्सर लेंगे और उसको भी अच्छे से फैला लेंगे ऐसे बिल्कुल। हाथ से ही इसको अच्छे से फैला लेंगे और सबसे ऊपर ऑरेंज कलर का मिक्सर आएगा, तो इसको भी हम अच्छे से रखकर हाथों से फैला लेंगे ऐसे बिल्कुल। अब हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर सेट कर लेंगे। मैंने इसको 30 से 40 मिनट के लिए सेट कर लिया है और अब हम एक चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। देखिए मैंने इसको थोड़ी जल्दी ही निकाल लिया है, आप थोड़ी देर और रख सकते हैं। कम से कम इसको एक घंटे के लिए आप फ्रिज में सेट कीजिए, तब ये और अच्छे से कट हो जाएंगी। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने इसको थोड़ी देर पहले निकाल लिया था तो ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट हैं। आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए और अच्छे से सेट कर लीजिए, फिर कट कीजिए। यहाँ मैंने बर्फ़ी को कट करके सेट कर लिया अच्छे से और मैंने कट करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। और मैंने यहाँ पिस्ते से इसको गार्निश किया है। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप ये मिठाई बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और अपने फैमिली के साथ स्वतंत्रता दिवस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।